मैंने जब ड्रीम शॉट में कॉपीराइट के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों का एक पर्टिकुलर क्लेरिफिकेशन था। इट वॉज अबाउट हम लोग टिकटॉक में कुछ सॉन्ग्स यूज करते हैं, वो हो सकता है कि बॉलीवुड म्यूजिक हो या कोई और म्यूजिक हो, वहाँ पे इश्यू नहीं आता। लेकिन यूट्यूब में जब वही सॉन्ग यूज करते हैं या फिर वही वीडियो जो हमने टिकटॉक में बनाया है, यूट्यूब में प्रॉब्लम क्यों आता है? टिकटॉक में और यूट्यूब में कॉपीराइट का डिफरेंट रूल्स है क्या? ऐसे क्यों है कि टिकटॉक में एक पर्टिकुलर सॉन्ग फ्री है, वही सॉन्ग यूट्यूब में कॉपीराइटेड है? और दूसरा क्वेरी ये था कि अगर हम लोग कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर फ्री म्यूजिक एक पर्टिकुलर ऐप में मिलता है, वो चीज़ हमने सब्सक्राइब किया है, हमने पैसा देके खरीदा है सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकता है या ईयरली हो सकता है, क्या वही चीज़ हम लोग यूट्यूब में यूज कर सकते हैं कि नहीं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको सारे क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है, मतलब लोग वहाँ पे वीडियो एवे नहीं बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग शायद कमा भी नहीं रहे हो, लेकिन वो एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म है। और जब हम मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जो अमेज़न एफिलिएट लिंक से जो पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है, वो नहीं, हमें डायरेक्टली यूट्यूब से ही पैसा मिलता है जो एड रेवेन्यू होता है। जब कोई भी एक प्लेटफॉर्म मॉनिटरी बेनिफिट्स डायरेक्टली अगर आपको देता है, इन दैट केस सारे कंपनीज आर्टिस्ट्स ये मेक श्योर करेंगे कि उस प्लेटफॉर्म में कोई कॉपीराइट इश्यूज ना हो। ऐसे नहीं कि दूसरी प्लेटफॉर्म में ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन खास करके मॉनिटरी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उसके ऊपर नजर रहता है, क्योंकि इसमें लोग उनका सॉन्ग्स यूज करके कमा सकते हैं। टिकटॉक आजकल बंद हो चुका है, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल टिकटॉक ही है। टिकटॉक में लोग आराम से बॉलीवुड सॉन्ग्स यूज कर रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा था, मतलब एटलीस्ट इन मोस्ट केसेस। सच ये है कि टिकटॉक एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। हो सकता है कि टिकटॉक में आपको स्पॉन्सरशिप मिले, आप अलग अलग तरीके से कमाएं, ब्रांड को प्रमोट करें, लेकिन टिकटॉक आपको पैसा नहीं देता, वो एक डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं है। इसकी वजह से लोग थोड़ा सा उस जगह को इग्नोर कर देते हैं। जहां पे डायरेक्टली कोई भी क्रिएटर हमारा गाना यूज करके पैसा नहीं कमा रहा है, वहां पे इट्स ओके, यूज करने दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टिकटॉक में कभी कॉपीराइट का इश्यू ही नहीं आया, अब तो वैसे टिकटॉक का वेबसाइट डाउन है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, वी डू नॉट अलाउ एनी कॉन्टेंट दैट इन्फ्रिंजेस कॉपीराइट, एनी यूज ऑफ कॉपीराइटेड कॉन्टेंट ऑफ अदर्स विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और लीगली वैलिड रीजन मे लीड टू अ वायलेशन, इन सम केसेस यू मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एविडेंस टू प्रूव दैट यू आर एंटाइटल्ड टू यूज कॉपीराइटेड कॉन्टेंट ऑफ अदर्स। मतलब कॉपीराइट का रूल्स चेंज नहीं होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसको अलग अलग तरीके से कस्टमाइज किया जाता है। यहाँ पे भी कॉपीराइट का इश्यू सेम है, लेकिन लोग यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम करने के लिए आ नहीं रहा है, क्योंकि लोग डायरेक्टली पैसा उससे बना नहीं रहे। और अगर कोई टिकटॉक वीडियो वैसे ही फेमस हो जाता था, तो वो सॉन्ग ज्यादा फेमस होके लोग उसको यूट्यूब में आके देखते थे, तो इन अ वे क्रिएटर्स को वो एडवांटेज भी देता था। क्रिएटर्स हो, म्यूजिक कंपनीज हो, क्योंकि टिकटॉक को उतना सीरियसली नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कॉपीराइट का कोई इश्यू ही नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो टिकटॉक में कॉपीराइट इश्यूज हुआ है और काफी सारे वीडियोस वे टेकन डाउन, लेकिन उसका परसेंटेज इतना छोटा था कि हम लोगों को ज्यादा वो पता ही नहीं चलता है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सारे बड़े बड़े कंपनी अपना ट्रेलर यूट्यूब में लॉन्च करता है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास यूट्यूब का वीडियो रीच हो जाता है, इसीलिए कंपनी हो, आर्टिस्ट हो, यूट्यूब के ऊपर उनका नजर रहता है। जब शुरू शुरू में जब ये यूट्यूब मोनेटाइज हुआ, इनिशियली जब कंप्लेंट्स आने लगा कॉपीराइट्स का, यूट्यूब के पास भी ये पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था जहां पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। जब यूट्यूब इतने सारे कंप्लेंट्स हैंडल नहीं कर पाया, मैन्युअली हैंडल नहीं कर पाया, हर किसी का कॉपीराइट इश्यूज, लीगल इश्यू बनवा के वहां पे एक इंटरमीडिएटर बन के यूट्यूब नहीं रह पाता था, सो यूट्यूब केम अप विद अ सॉल्यूशन। तो उसने एक सिस्टम बनाया, एक एल्गोरिथम बनाया, जिसमें बड़े बड़े कंपनीज को अपने सॉन्ग्स के लिए कॉन्टेंट आईडी मिलता है, और हम लोग जब YouTube में वीडियोस को अपलोड करते हैं, वो लाइव होने से पहले ही कंटेंट आईडी को मैच कर देता है। YouTube का इतना रॉबस्ट और इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होने की वजह से हमें लगता है कि सिर्फ YouTube में ही प्रॉब्लम है। कॉपीराइट का रूल्स हर जगह सेम है, YouTube बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये एक मॉनिटरी प्लेटफॉर्म है, प्लस ये दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो ये एक क्लैरिफिकेशन आपका हो गया। दूसरी बात, हो सकता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हो। क्या होता है, से फॉर एग्जांपल एक कोई वेबसाइट है जो कुछ फ्री म्यूजिक देता है और कुछ पेड म्यूजिक होता है। हो सकता है कि ये जो ऐप आप यूज कर रहे हो
उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ या फिर उस पर्टिकुलर म्यूजिक क्रिएटर के साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर ऐप में आप जो भी वीडियो क्रिएट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर म्यूजिक का जो वेबसाइट है वहां पे जितने भी पेड सॉन्ग्स है फ्री में यूज कर सकता है अगर उसके पास सब्सक्रिप्शन है। लेकिन 99% पॉसिबिलिटी वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही कन्फाइंड होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। आप उस चीज को यूट्यूब में जैसे ही अपलोड कर दोगे वहां पे कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आ जाएगा। इसीलिए यूट्यूब में अपलोड करने से पहले ठीक से उस पर्टिकुलर ऐप में क्या लिखा है वो वाला कॉपीराइट की डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर म्यूजिक को या फिर बैकग्राउंड साउंड को अगर आप फेयर यूज के हिसाब से यूज कर लेंगे देन यू कैन गो अहेड अपलोडिंग योर यूट्यूब चैनल। होपफुली आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल गया। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि कॉपीराइट रूल्स कभी चेंज नहीं होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो है अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। दो प्लेटफॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।